अगर राजस्थान पुलिस ने हमारे साथियों को उनके परिवार को परेशान किया तो ये स्पष्ट सुन ले कि वो राजस्थान पुलिस इस मामले में आएगी तो अपने पांव से लेकिन वापस अपने पांव से नहीं जा पाएगी। भारत माता की जय। भारत माता की जय। यह जो धमकियां दी जा रही हैं यह भारतीय संविधान के तहत बने हुए एक ताकतवर राज्य राजस्थान की पुलिस को दी जा रही है। यह व्यक्ति आपने सुना कि कहा कि अगर राजस्थान पुलिस ने मोनू मानेसर के खिलाफ कार्रवाई की तो राजस्थान पुलिस के जवान अपने कदमों पर तो चलकर आएंगे लेकिन वापस कदमों पर नहीं जाएंगे। अगर आपने ध्यान से न सुना हो तो एक बार हम फिर आपको सुना देते हैं। अगर राजस्थान पुलिस ने हमारे साथियों को उनके परिवार को परेशान किया तो ये स्पष्ट सुन ले कि वो राजस्थान पुलिस इस मामले में आएगी तो अपने पांव से लेकिन वापस अपने पांव से नहीं जा पाएगी। आपने दोबारा सुना कि कैसे धमकी दी जा रही है पंचायतें लगाकर। यह लोकतंत्र की नई परिभाषा है जहां अपराधियों को बचाने के लिए बकायदा सरकार और पुलिस को चैलेंज किया जा रहा है। मोनू मानेसर वह व्यक्ति है जिस पर कि राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले दो युवकों नासिर और जुनैद को जिंदा जलाकर मारने का आरोप है। मोनू मानेसर और उसके करीब आधा दर्जन साथियों पर आरोप है कि उन लोगों ने बकायदा भरतपुर से नासिर और जुनैद का अपहरण किया और उसके बाद हरियाणा के भिवानी के लोहारू क्षेत्र में लाकर बोलोरे को भीतर जिंदा जला दिया। जिंदा जलाए जाने के बाद सिर्फ उसकी लाश मिली है। ऐसे में अपराधी को न पकड़ा जाए इसके लिए बकायदा धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं और ये हिंदू महापंचायतें हो रही हैं जिससे कि अपराधियों को सह मिले और उन पर कोई हाथ नहीं लगाया जा सके। जरा कल्पना करिए कि भारत किस दिशा में बढ़ रहा है, किस तरह की कानून व्यवस्था की हालत की ओर हमारा देश बढ़ रहा है। कल्पना करिए कि कल को अगर ऐसी स्थितियाँ हो गई तो आज तो गो तस्करी के नाम पर हिंदू समाज के लोग घरों में बैठ कर तालियां बजा रहे हैं या बहसों में इन अपराधियों के साथ खड़े दिखाई देते हैं। लेकिन कल यही स्थिति आपकी जमीन कब्जे पर होने लगे, आपकी बेटी के अपहरण पर होने लगे, आपके बच्चे की नौकरी में पेपर लीक के दौरान होने लगेगी तो जरा कल्पना करिए कि क्या हाल होगा आपका। इसलिए इन अपराधियों को बचाने के किसी भी प्रक्रिया में शामिल होना न सिर्फ न्याय के खिलाफ जाना है बल्कि अपने मौलिक अधिकारों को भी रौंदवाने के लिए तैयारी का जलसे और जुलूस में शामिल होना है। जन ज्वार जनता की।